हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। मेरा नाम है सोनू, मेरे चैनल सोनू मोटर्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आयसर 1075 के किन पिन को फिटिंग करने वाले हैं। सारे सामानों की धुलाई हो गई है, स्पिंडल में बुश की फिटिंग हो गई है, बुश में अच्छी तरह से ग्रीस को लगाएंगे। ग्रीस लगाने के बाद उसके बाद इस पिन को इसमें फिट करेंगे इस प्रकार से। किनपिन में अभी सील को फंसाएंगे, सिम लगने से पहले इस सील को फिट करेंगे इस प्रकार से। उसके बाद सेटिंग के हिसाब से सिम को इसमें लगाएंगे, एक या दो। जब किनपिन को फिटिंग करें तो सिम को इस प्रकार से लगाएं कि बैरिंग पे ज़्यादा दबाव ना पड़े और बैरिंग हमारा ढीला भी ना हो। बैरिंग अब ठुक चुकी है, अब हथौड़े की मदद से हम इस पिन को ठोकेंगे इस प्रकार से। किनपिन अब ठुक गई है, अब फ्रंट एक्सल और किनपिन के कार्टर के सुराख को मिलाएंगे। फ्रंट एक्सल के होल को किनपिन के खांचे के बिल्कुल सामने लाएंगे ताकि हमारा काटर आसानी से ठुक सके और पिन हमारा एक जगह फिक्स हो सके। किनपिन ठुकने और काटर लगने के बाद स्पिंडल के सबसे नीचे वाले टिक्की को फिटिंग करेंगे इस प्रकार से।
दोस्तों इस तरह से ISA 1075 की किनपिन की फिटिंग पूरी हुई।